दोस्तों, अगर आप YouTube पर आना चाहते हो लेकिन शुरुआत नहीं कर पा रहे हो, अपना जो पहला वीडियो है वो नहीं बना पा रहे हो, तो इस वीडियो को देखिए। आपकी जो शुरुआत है वो होने वाली है इस वीडियो को देखने के बाद में। हम बात करते हैं वो कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से आप शुरू नहीं कर पा रहे हैं। रीजन नंबर वन, परफेक्शन की तलाश की। मैं थोड़ा और अच्छा हो जाऊंगा तब वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा क्वालिटी कॉन्टेंट बनाऊंगा। देखिए, परफेक्शन नाम की इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं होती। इम्प्रूवमेंट्स होते हैं, चेंजेस होते हैं, लेकिन परफेक्शन नाम की चीज़ दुनिया में होती ही नहीं है। वो चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, बहुत छोटे लेवल पर हो, बहुत बड़े लेवल पर हो, मेरे लेवल पर हो, मैं हूँ, परफेक्शन कहीं पर भी नहीं है। मेरी अगर मैं बात करूँ तो ना तो मैं पहले परफेक्ट था, ना अभी परफेक्ट हूँ, ना ही कभी परफेक्ट हो पाऊंगा, क्योंकि परफेक्शन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। हाँ, पहले से मैंने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है, बाद में भी मैं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करूँगा, लेकिन परफेक्शन कभी अचीव नहीं कर पाऊंगा। अभी आपकी कंडीशन जो भी है, जिस भी हालात में आप हो, शुरुआत कर दो। मैं आपको जो इंडस्ट्री के बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, टॉप लेवल के, मैं मेरा भी एग्जांपल दूंगा, जो बेस्ट यूट्यूबर्स हैं, उनकी शुरुआत कैसे हुई, वो कैसे थे स्टार्टिंग में, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप मेरा इस ये वाला वीडियो देखो। हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ काम ऐसा होता है जो ऐसा लगता है कि वो असंभव है, लेकिन अगर कोई शख्स उसी काम को कर दे तो फिर हम सोचते हैं कि उसकी किस्मत अच्छी है। क्यों? ये मेरी शुरुआत थी। आप इसे, ये मेरा पहला वीडियो तो नहीं है, लेकिन आप इसे मेरा पहला वीडियो मान सकते हैं। ऐसे मेरी शुरुआत हुई थी। संदीप माहेश्वरी सर, उनकी कितनी पावरफुल स्पीच, कितने मोटिवेशनल वीडियोस हमने उनके देखे हैं, उनकी शुरुआत की जो स्पीच है वो ऐसी थी। डोंट लुक एट मी लाइक दिस विद ऑल दीस फ्रॉमिंग फेसेस बिकॉज़ दैट मेक्स मी नर्वस। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल। एंड सेकंड थिंग इज और सिर्फ यही नहीं बल्कि विवेक बिंद्रा, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन अ न्यू सब्जेक्ट। और आज का हमारा विषय है टेक बर्नर। वी हैड अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम लॉलीपॉप, बट एज इट केम आउट ट्रेक इन टेक। सो आई हैड ऑर्डर्ड 1+1 यस्टरडे फ्रॉम Amazon इन इंडिया। मिस्टर इंडियन एकर्स, तो आज मैं आपका दिमाग पढ़ने वाला हूं, तो क्या आप तैयार? सौरव जोशी, टुडे आई एम गोइंग टू कुरुक्षेत्र, मैं कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा वहां पे, वो मैं आपको दिखाएंगे। और भी टेक्निकल गुरुजी, मैं जोरोजी टेक्निकल, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। मनोज देव, हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज और आप लोगों का टेक्निकल मनोज में स्वागत है। और भी कितने सारे से यूट्यूबर्स है जिनकी शुरुआत है बहुत ही ज्यादा, मतलब अगर आज से कंपेयर करें तो पहले की जो शुरुआत थी वो तो बहुत गंदी है। तो ऑब्वियसली शुरुआत सबकी ऐसे ही होती है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत दिखा रखी है, कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत छुपा रखी है, बल्कि शुरुआत जो है वो सबकी ऐसे ही हुई है। तो अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा और परफेक्ट हो जाऊं, थोड़ा और अच्छा हो जाऊं, तो भाई साहब बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियोस देख लो, उन्होंने किस हालत में वीडियोस बनाए थे, आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा। खान सर का ये वीडियो देखिए आप। देश की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी चीज होता है उस देश के अंदर हमला ना हो, और वो देश दूसरे पर अगर जरूरत पड़ा तो टेक्नोलॉजी का यूज करके तुरंत हमला कर सके। किस टाइप से वीडियो बना रहा है? अभी की क्वालिटी देखिए, पहले की क्वालिटी देखिए, अभी का उनका जो सब्सक्राइबर बेस, फैन बेस जो है वो देखिए, और किस हालात में उन्होंने शुरुआत की थी वो देखिए। शुरुआत में ना चीजें पता नहीं होती है। क्रेजी XYZ कितना बड़ा चैनल है इंडिया का, उनकी शुरुआत की वीडियो ऐसी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित शर्मा और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप एक टूटे हुए बैट को बहुत ही आसानी से किस तरह से खाली प्लास्टिक बोतल्स की हेल्प से वापस से जोड़ सकते हैं। कम क्वालिटी होती है, कैमरा में क्वालिटी नहीं होती है, बोलने का तरीका अच्छा नहीं होता है, हम थोड़े अच्छे नहीं दिख रहे होते हैं, कई सारी चीजें होती है। तो क्या हुआ, टाइम के साथ में ही इंप्रूवमेंट्स आएंगे। आप बेटे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, शुरुआत कर देंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो परफेक्शन की तलाश में तो रहना मत। हम बात करें दूसरे कारण के बारे में, उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छे ब्रांड के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल। देखो, ज्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी भी स्टार्ट की है, उन्हें लगता है कि शेयर मार्केट कहीं लक या किस्मत का खेल तो नहीं है, और वो अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों की कहीं सुनी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। खैर, माना कि ये इतना भी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपना मुश्किल से कमाया हुआ पैसा सही जगह इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको जरूरत होती है एक एक्सपर्ट की, ऐसा एक्सपर्ट जो कि आपको सही अपॉर्चुनिटी के बारे में बताए और साथ ही आपको डिफरेंट ऑप्शन के बारे में बताए जहां पर इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा कम रिस्की हो। और जब इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर कई सुनी बातों के बेसिस पर अपना इन्वेस्टमेंट करता है तो वो बन जाता है एक डिपेंडेंट इन्वेस्टर। तो क्यों ना एक अच्छे प्रोफेशनल से कंसल्ट किया जाए। लेकिन एक्सपर्ट होने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक और जरूरी चीज होती है, जो कि होती है डीमैट अकाउंट। और ये दोनों ही चीज आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलती है जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल जो कि ना सिर्फ फ्री डीमैट अकाउंट और पहले एक साल के लिए 0 AMC देता है, बल्कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी अलॉट कराता है जो आपकी क्यूरीज को तो सोल्व करता ही है, साथ ही साथ आपके इन्वेस्टमेंट करने में भी मदद करता है। तो जब फाइनेंशियल एडवाइजर आपके साथ में मिल रहा है तो लॉस का डर क्यों लेना? अब यहाँ पर यह भी सवाल आता है कि मोतीलाल ओसवाल ही क्यों, क्योंकि ये ऑफर करते हैं फ्लैट ब्रोकरेज ऑफ जस्ट 20 रुपीज पर लोट, और इनके पास 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस और 50 लाख से भी ज्यादा लोगों का भरोसा है। और आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए अपना पैन कार्ड,
आधार कार्ड और बैंक प्रूफ की जरूरत होती है, उसके बाद में आप अपनी जर्नी जो है वो शुरू कर सकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि इनके स्मार्ट एंड इजी टू यूज ऐप के साथ आपको बास्केट फीचर जो कि एआई बेस्ड टूल पे चलता है एंड ब्रोकरेज रिवर्सल जैसे फीचर भी मिलते हैं। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और अपनी सतर्क इन्वेस्टमेंट जर्नी को आज ही शुरू करें। अब हम बात करते हैं वो कौन सा दूसरा ऐसा कारण है जिसकी वजह से लोग शुरुआत नहीं कर पाते हैं, वो है डर। हर चीज में ये चीज अप्लाई होती है, यूट्यूब में भी वो चीज अप्लाई होती है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि डर की वजह से शुरुआत नहीं कर पाते कि लोग क्या सोचेंगे, कैसे देखेंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको कितने लोग देख रहे हैं। आपने कोई वीडियो अपलोड किया, अपना पहला वीडियो अपलोड किया, बहुत गंदी क्वालिटी है, आप अच्छे नहीं दिख रहे हैं, बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, वॉइस अच्छी नहीं आ रही है, कंटेंट बहुत घटिया है, कितने लोग देख रहे हैं पहले वीडियो को, कितने सब्सक्राइबर्स हैं आपके। तो डर किस चीज का है आपको? आप सिर्फ शुरुआत कीजिए, डर भी आपसे डर जाएगा। किसी भी डर को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिस काम को करने से डर लगता है वो काम कर दीजिए, आपका जो डर है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो डर की तो कोई बात है ही नहीं मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो रियलिटी को समझो, आपके पास में लोग ही नहीं देखने के लिए, तो डर किस चीज का है बनाइए एंड डाल दीजिए। बात करते हैं तीसरे कारण की, और वो है टाइम का ना होना, कि मेरे पास टाइम नहीं है। भाई साहब, ये टाइम ना होना एक बहुत बड़ा बहाना है। मैं आपको मेरी बताता हूँ, 12th क्लास थी मेरी, मेरे 6 घंटे का स्कूल था, 3 घंटे की कोचिंग थी, 1 किलोमीटर दूर थी, तो आना जाना पैदल अलग से था। उसके बावजूद मैंने 12th क्लास के अंदर ही मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए लॉन्ग वीडियो से। शॉर्ट्स तो उस टाइम आए भी नहीं थे, तो लॉन्ग वीडियो से मैंने उस टाइम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए। इतने मैंने वीडियोस बनाए अपनी 12th क्लास कंप्लीट की, कोचिंग्स, ट्यूशन, सब कुछ मैंने मैनेज किया। तो अगर आप ये कह रहे हो कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये आप एक बहाना बना रहे हो, पक्का बहाना बना रहे हो। आपको पता है कि आपके पास में टाइम है, वो चाहे मैं हूँ, आप हो, दुनिया में कोई भी इंसान है, सबके पास 24 घंटे हैं। आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, वो आपकी दिक्कत है। टाइम आपके पास में है, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, 8 घंटे आप काम कर रहे हो, 10 घंटे आप काम कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपके पास में 14 घंटे बच रहे हैं। 8 घंटे आप सो जाते हो, उसके बावजूद भी आपके पास में कितने घंटे बच रहे हैं, 6 घंटे फ्री बच रहे हैं। उन 6 घंटे में आप क्या करते हैं? फालतू काम करते हैं आप। टाइम का ना होना, कोई मुझे कहता ना मेरे पास टाइम नहीं, तो भाई तू कर क्या रहा है 24 घंटे में? 24 घंटे में लोग क्या से क्या कर गए, और तेरे पास टाइम ही नहीं है। टाइम तो है तेरे पास, करा कुछ नहीं तूने। बहाने, बहाना एक बहुत बड़ा रीज़न है। बहाने बनाओगे तो बहुत रीज़न निकल जाएंगे। टाइम नहीं है, पुराना हो चुका है बहाना, इसलिए टाइम तो फेस में है। बात करते हैं चौथे रीज़न की, और सबसे बड़ा रीज़न, और ये रीज़न इन तीनों रीज़न पर भारी पड़ता है, एक गहरी इच्छा ना होना। आपके अंदर से नहीं आया है ये डिज़ायर कि मुझे YouTube पर आना है। किसी को देख करके अगर आप आए हो, पैसों के लालच में, फेम के लालच में, नेम के लालच में, इसलिए शायद आप शुरुआत नहीं कर पा रहे हो। अगर किसी भी डिसीजन को लेने में आपको 2 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं, यानी कि वो डिसीजन आपके अंदर से नहीं आ रहा है, तुरंत लीजिए वो डिसीजन को, मुझे वीडियो बनाना है, अभी शुरू करो, डाल दो, कौन देख रहा है, ये एटीट्यूड रखो। जिस इंसान के अंदर से आया है ना कि मुझे यूट्यूब पर काम करना है, वो शुरुआत भी करेगा और कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करके अपने चैनल को ग्रो भी करेगा और एक बड़े लेवल पर अपने चैनल को लेकर के भी जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि गहरी इच्छा ना होना। गहरी इच्छा होगी तो ऑटोमेटिकली आप शुरुआत कर दोगे। और इस बात को भी याद रखना कि हर उस दिन जिस दिन आप शुरुआत नहीं कर रहे हो, आप दिन पर दिन लेट हो रहे हो। कॉम्पिटिशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो एक एक दिन भी अगर आप लेट कर रहे हो, शुरुआत नहीं कर रहे हो, तो आप एक एक दिन सबसे पीछे होते जा रहे हो। आप सोच रहे होंगे कि मैं पहले सीखूंगा फिर 1 साल बाद शुरू करूंगा। ना जी ना, सीखते सीखते ग्रो कीजिए ना, उससे आप और भी ज्यादा सीखेंगे। तो शुरुआत कीजिए, मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको जो पहला वीडियो आपकी जो शुरुआत है वो हो जाएगी। आप सबको बेस्ट ऑफ लक, और इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।